किया नहीं, ये अच्छा लगा मुझे तो गुजरात एक्चुअली से असलम भाई करके। जो हमारे हैं ये कर्नाटका गुलबर्गा से हैं, और उनको तो भोजपुरी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। हाँ हम लोगों ने एक हिंदी सॉन्ग किया, काफी अच्छा सॉन्ग हुआ है, जिसमें सिंगर फरहाद भी मंडी वाला और ऋतु पाठक, भाविन भानुशाली एक्टर है एक्टर उसमें, उसमें। और इनकी बेटी उसमें भाविन के अपोजिट की है। तो हमने फर्स्ट गाना वो किया था, और हमारा कंटिन्यू ये था कि हिंदी करेंगे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मतलब भोजपुरी काफी अच्छी मार्केट हो गई एल्बम की दुनिया में। गाना बहुत ही अच्छा है, और आज दो खास मौका है, जैसे जबकि कंपनी की लॉन्चिंग है, साथ साथ गाने की भी लॉन्चिंग है, तो क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे सर अभी खास मौके? पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, और ये गाना हम लोगों ने शूट किया था, ये सर असलम भाई और बिलाल कंपनी, एचएस के कंपनी जो आपके सामने है, और इन लोगों ने ही मेरे को ये बहुत अच्छा मौका दिया, जो आज हम लोग इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, और प्लस जन्माष्टमी कृष्ण भगवान का जन्म, और आज हमारी कंपनी का भी जन्म भी हो रहा है, तो उस प्रकार से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही अगर बना रहे तो असलम भाई और हम सब लोग मिलकर के बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक गाना आप सभी लोगों के लिए हर एक नए चीजों के साथ आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। सर आप कुछ कहना चाहते प्रिंसिपल हो गए ठीक। दिमाग में आया कैसे आपने सोचा कि मैं, कहाँ से शुरुआत आपने सोचा ये, कब सोचा आपने कि मैं खुद का एक लॉन्च करूं? बोलने तो अरे बोलने तो बहुत सारे हैं, सोच के 1 साल हो गया, इस पर हमने गाने शूट किए हैं, 10 गाने शूट किए हैं अभी, और गाने की शूटिंग चालू है, और आगे कंटिन्यू गाने करेंगे। तो सब हिंदी भोजपुरी कर रहे हैं आप? हिंदी भी करेंगे हम लोग, भोजपुरी हरियाणवी हरियाणवी कर तीनों में करेंगे, और हिंदी का भी इन्होंने अभी दो गाना शूट भी किया है, हिंदी ये 2 गाने शूट किया है, एक गाना हम लोग भी जस्ट अभी ले रहे हैं, विजय ना उसका, शाहिद माल्या उसका और गाना एक है, ऑफर हिंदी का, हिंदी का जीत सिंह, जीत सिंह, जीत सिंह बोल रहा है, किसने गाया था सिंगर? आज आप बैठे हो, फरक देवंडी, फरक देवंडी वाला सिंगर है, और ये आज जो आपका गाना देखा है, हाँ जी, इसके बारे में बताइए, गाने के कितने, बारे कितने दिन का शेड्यूल था और कैसे आपने मैनेज किया, एज ए प्रोड्यूसर भी आप ही हैं? हाँ, एज ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मैं हूं, डायरेक्टर एज ए प्रोड्यूसर, एंड पूरा इंटीरियर आपने डिजाइन किया जी, कैसे थीम रख के पास किया? बस आपने ये दिमाग से दे दिया, आपने पहली बार कराऊ मैं ये फील्ड में आऊँ, तो अपने हिसाब से दे दिया मैं, जैसा इनको अच्छा लगा वैसा किया, ये एक्चुअली असलम भाई जो हमारे हैं ये कर्नाटका गुलबर्गा से हैं, और उनको तो भोजपुरी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। हाँ हम लोगों ने एक हिंदी सॉन्ग किया, काफी अच्छा सॉन्ग हुआ है, जिसमें सिंगर फरहाद भी मंडी वाला है, और ऋतु पाठक, भाविन भानुशाली एक्टर है उसमें, और इनकी बेटी उसमें भाविन के अपोजिट की है। तो हमने फर्स्ट गाना वो किया था, और हमारा कंटिन्यू ये था कि हिंदी करेंगे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मतलब भोजपुरी काफी अच्छी मार्केट हो गई एल्बम की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में। तो हमारे दोस्त, हमारे भाई अश्वनी जी बहुत खास दोस्त हैं हमारे, तो ऐसे एक दिन बैठे कि म्यूजिक कंपनी हम लोग, क्योंकि देखो गाने लेके हम मार्केट में घूमते तो हमें पता है क्या होता है, बनाने के पहले जो बड़ी बड़ी सब चीजें होती है कि ये करेंगे करेंगे, लास्ट में क्या होता है कि बड़ी कंपनियां एंटरटेन नहीं कर पाती हैं। तो असलम मैंने बोला कि मैं खुद की कंपनी ला दूंगा, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो यहाँ मुंबई में इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस चलता है, और गुलबर्गा में काफ़ी बड़े मतलब लेवल पर इनके बिजनेस हैं, तो हम लोगों को अच्छा लगा ये चीज़, हमने कहा कि चलो एक काम करो, म्यूजिक कंपनी शुरू करते हैं। तो ये भोजपुरी से शुरुआत की है, खाली भोजपुरी नहीं, हिंदी भी कंपनी है हमारी, हरियाणवी भी है, भोजपुरी तीनों लैंग्वेज में एक साथ अभी आ रहे हैं, और आज भोजपुरी की शुरुआत हुई है, कृष्णाष्टमी को था, अच्छा दिन था। असलम भाई आपने किसी बड़े आर्टिस्ट को लेके अभी तक कोई सोचा है? मुझे अगर म्यूजिक वीडियो बनाना है जैसे कि अभी भाविन को, भाविन को लेकिन उन्होंने किया है अभी, वही वही बड़े बैक टू बैक अभी शुरुआत हो गई थी, शुरुआत हो गई, आने वाले टाइम में आपको इस भोजपुरी चैनल में भी खेसारी हो, पवन सिंह हो, अनिल कमल, जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं उनको भी हम लोग, बात चल रही है हमारी, और अच्छे गाने, इससे भी अच्छे अच्छे गाने अभी आएंगे, और भी क्या नाम होता है, शिल्पी राज, उनका भी ऑडियो हमारे पास है, और अच्छी सिंगर बैठी है आविया जी भी, अभी पवन सिंह के साथ इनका गाना ट्रेंड, इनका भी गाना भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये भी गाड़ी हमारी कंपनी के, सारे अच्छे आर्टिस्ट के साथ हम काम करेंगे। हरियाणा तो शुरुआत की, चलो ठीक है हमने हिंदी से शुरुआत की थी, लेकिन भोजपुरी क्या एक हो गई जल्दी जल्दी में चीजें, हाँ। लेकिन आज जो आपके सामने है वो चीजें आगे नहीं होंगी, इससे काफी अच्छे लेवल की चीजें होंगी,
ये तो ठीक है, एक शुरुआत बात था कि कैसे भी आदमी एक जर्नी चालू करता है, फर्स्ट स्टेप रख दिया, फर्स्ट स्टेप रखे, धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप रखे, हिंदी के कर चुके हैं, धीरे 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 अपन और भी आगे जाएंगे। अभी इसमें मार्केट में चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी गाने हो, अभी बहुत कंपटीशन हो गया है, तो क्या कुछ ऐसा कुछ अलग कॉन्सेप्ट है बना रहे हैं जिससे कुछ आपको यूनिक लगेगा कि मैं ऐसा प्रस्तुत करूंगा, दिखाऊंगा ऑडियंस को, तो थोड़ा ऐसा? बिल्कुल डिफरेंट करना चाहूंगा, बॉलीवुड में कुछ डिफरेंट करना चाहूंगा, सबसे हटके करने जा रहा था, हटके किया जाएगा, जो भी मतलब जो कुछ भी किया जाएगा ऑडियंस को देखते हुए, ऐसा भी नहीं करना है कि ऑडियंस से ही हटके निकल जाएगा, जो पब्लिक ऐसा देखती है, प्यार करती है, पब्लिक डिमांड के हिसाब से करेंगे, लाइक करें ताकि, क्योंकि हमारी कंपनी अभी न्यू है और ऑडियंस का और आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि कंपनी को थोड़ा सपोर्ट करें, अच्छे काम हम कर सके। तो इस कंपनी के द्वारा क्या कोई फिल्म आएगा, किसी एल्बम तो किसी फिल्म नहीं है? नहीं नहीं, फिल्में भी करेंगे हम, धीरे अभी शुरुआत है, शुरुआत हमने एक नींव डाली, जैसे एक घर बनता है तो पहले अपने पिलर डालते हैं ना, तो समझो हमारा हमारा एक पिलर है जो अभी नींव डाल जी, आगे बैक टू बैक आपको, और हिंदी के भी दो तीन गाने शूट हो चुके हैं, अब उसकी भी लॉन्चिंग होगी हिंदी गाने की, हरियाणवी में भी सब जितने अच्छे सिंगर हैं उनसे हमारा चल रहा है, दो तीन गाने का ऑडियो भी हमारा कम्प्लीट हो चुका है, भोजपुरी तो हमारे 10 गाने ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ऐसे बैक टू बैक। जो आपने भोजपुरी में जो लिया है अभिषेक शर्मा और मिश्रा, अभिषेक मिश्रा जो अभी बोल के गया, अभी आए हुए भी, और लड़की कौन है? लड़की का नाम है अर्किता, अर्किता जी है, नहीं वो नहीं है, असल में आपने जर्नी बताई कंपनी के प्रोडक्शन हाउस, आपने तीन प्रोडक्शन हाउस, बिलाल दिख रहा है, बिलाल ने फिल्म के लिए, फिल्म के लिए, फिल्म के लिए इसकी जर्नी बताई, कहां से मतलब हर बार क्या क्या करने वाली भोजपुरी के साथ साथ, और ये सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस करती है, और जो बिलाल फिल्म प्रोडक्शन है वो फिल्म फिल्म के लिए प्रोडक्शन, वो फिल्म कंपनी अलग है और म्यूजिक कंपनी अलग है, तो एच एस के सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक कंपनी है जो म्यूजिक प्रोड्यूस करेगी। रियाज तो सही बता सकते हैं, इनके फ्रेंड है जो इनके साथ सपोर्ट में है, शोरूम में, जोली का शोरूम सोलापुर में है, तो वो इनको सपोर्ट में है, स्पॉन्सर है, यूसुफ मरपली स्पॉन्सर है, रियाज उल्लेख है स्पॉन्सर, दोनों स्पॉन्सर। आप बताइए मतलब ये गाने का मतलब क्या, मतलब कहाँ शुरुआत हुई? एक्चुअली ये प्रिंस हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सर से, तो आज भी मैं भी पहली बार मिला हूँ, लेकिन फोन पे इतने बातें हो गई कि हम लोग को लग ही नहीं रहेगा हम पहली बार मिले, फर्स्ट टाइम मैं भी आज आप जैसे आप लोग मिल रहे हो, मैं भी सर से पहली बार ही मिला हूँ, बट हमारी फोन पे अच्छी बात हुई, तो इनको शायद मेरा नेचर हमारा काम अच्छा लगा, तो इनको बोले कि हम लोग मिल के आगे काम करेंगे और लॉट्स ऑफ काम करेंगे, तो फिर सर बोले शुरुआत करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है सर शुरुआत करेंगे, लेकिन पब्लिक तक जानी चाहिए अपना गाना, मीडिया में भी आनी चाहिए, हर जगह आनी चाहिए, तो शुरुआत ऐसा करो कि थोड़ा सा अपन करेंगे लेकिन थोड़ा अच्छे से करेंगे, तो आप लोग भी यहाँ पे आए, आप लोग को इनवाइट किए गए, आप यहाँ पे आए और हम लोग के साथ सपोर्ट करें और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। कुछ आपने सजेस्ट किया ऑडियंस को? हाँ मैंने इनको सजेस्ट किया कि जैसे कि अगर 10 छोटे गाने डाल रहे हैं, 5 छोटे गाने डाल रहे हैं, तो एक हमको कहीं ना कहीं किसी भी जो ट्रेंडिंग में भी स्टार चल रहा है, जैसे नीलकमल है, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनके गाने अच्छे से खासे चलते हैं, मिलियंस में जाते हैं, 100 मिलियन 200 मिलियन जाते हैं, तो वैसे सिंगर्स को भी लेके हम आएंगे और हम गाना शूट करेंगे और ये भोजपुरी चैनल पे आपको दिखेंगे गाने। अगर 10 नॉर्मल गाना डाल रहे तो एक दो सेलिब्रिटी का तो डालना ही पड़ता है, हर कंपनी को डालना पड़ता है, हम लोग भी सेम वैसी प्रोसेस करेंगे, हिंदी में भी और हिंदी में भी, भोजपुरी में भी और हरियाणा में भी। आज का गाना कमरिया में नोट है, एक्चुअली भोजपुरी में कैसा है ना कि यूपी बिहार में ऑर्केस्ट्रा आप लोगों ने जाना होगा, तो लड़कियों के कमर में नोट डालते हैं तो लड़कियां और अच्छे से डांस कर, तो जस्ट लाइक ऐसे और कुछ नहीं, फनी मूवी। और हाँ ये सिंगर है इस गाने, क्या गाय भी है तो आपको बढ़िया से पता होगा इस गाने का मीनिंग क्या है और मतलब क्या सोच के इस गाने की मीनिंग है, जो हमारे हमारे यहाँ यूपी बिहार में, अगर आप यूपी बिहार से यहाँ लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ शादियाँ होती है तो अक्सर वहाँ पे नाच गाने और ये सारी चीजें प्रोग्राम वहाँ पे होता है, बस वही बेस है कि एक बारात आई हुई है और वहाँ पे अपना नाच डांस आर्टिस्ट अपना डांस कर रहे हैं, हमारे यहाँ उसको नाच बोलते हैं और हम यहाँ उसको ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा टाइप्स जी, तो वही कॉल। थैंक यू सर। हाँ एक मैडम का एक ब्लेसिंग, आज नई कंपनी की शुरुआत में है और गाने भी लॉन्च हुआ है, फर्स्ट कंपनी का कमरिया का गाना कौन है,
आप एज ए बिग सिंगर आपने बहुत सारी वेब सीरीज में गाया है और एज ए बहुत सॉन्ग करे, आप अस्लम जी को कैसे विश करें? मैंने बहुत अच्छे से विश करूंगी और मैं आगे फ्यूचर के लिए भी इन्हें ब्लेसिंग करूंगी कि इनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे आए और मैं भी इनके साथ काम करूंगी आगे, और प्रिंस जी को भी मैं ब्लेसिंग्स दूंगी और सर को भी दूंगी, सो विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। और आपने टी सीरीज के लिए भी गाने गाए और अभी हजार भजन आप कर चुकी हैं, उसके बारे में बताइए असलम जी के साथ कैसे जुड़ूंगी और कैसे ट्रैक पर गए? असलम जी से तो मैं प्रिंस जी की वजह से ही जुड़ रही हूँ और आगे और काम करेंगे, बस आप सबका ब्लेसिंग चाहिए। हमारा 10 गाने का फिर प्लान हो रहा है, इसमें आविया जी गाएंगे नहीं, काफी कुछ गाएंगे। मैं एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में हूँ 2002 से, आधी ज्यादा उम्र मेरी बीती है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। मैं बेसिकली प्रोडक्शन डिजाइन का काम करता था इंडस्ट्री के अंदर, और उसके बाद मैंने 2019 में होता ना कि मतलब जो है अपने काम से लोग बोर होते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर एक्टिंग का कीड़ा था, तो मैंने एक फिल्म की थी एज ए हीरो जो वीनस से रिलीज है, छल, लीड किया था मैंने, उसमें डायरेक्शन किया था राजू श्रेष्ठा, मास्टर राजू जी जो एक्टर हैं, फर्स्ट फिल्म थी उनकी डायरेक्शन में और मेरी फिल्म थी फर्स्ट एज ए एक्टर। तो उसके बाद फिर दो फिल्में और कर रहा था, उसके बाद बैक फिर एक्टिंग का कीड़ा लगा तो बैक टू बैक सॉन्ग वगैरह। अब हिंदी में पता ही बड़ा कॉम्पिटिशन है, तो हर कोई शॉर्टकट अपनाना चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे देखी, और मैं भी यूपी से हूँ, तो भोजपुरी मैंने देखा कि यार जो सिंगर होता है वही हीरो होता है। बस वहीं से शुरुआत हुई कि मैंने सिंगिंग भी थोड़ी बहुत सीखी, बहुत अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, बस गा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होता है, आप लोगों को क्या अगर सपोर्ट रहा, प्यार मिला तो कुछ होगा। सर आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आप यहाँ तक? मुझे तो सिर्फ 5 साल हो गए इंडस्ट्री में, और सबसे पहले मौका हमारे प्रिंस भाई ने दिया मुझे, फिर सर के साथ में जुड़ा, और तब से बैक टू बैक कुछ ना कुछ एल्बम्स वगैरह या शॉर्ट स्टोरी वगैरह और क्राइम पेट्रोल, क्राइम एलर्ट वगैरह शो वगैरह मैं करता रहा। बाकी मेरा सपोर्ट किया है प्रिंस भाई ने हमेशा, मेरे को कुछ भी करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट इनका होता है तो मेरे को एक आगे रखते हैं और बोलते हैं कि अभिषेक तुमको ये प्रोजेक्ट करना है। तो मैं इतने सालों में तो बहुत सारा काम किया हूँ, एज जूनियर से आज सीनियर तक मैं, और आज प्रिंस भाई ने लीड एक्टर में मेरे को खड़ा किया है, तो मैं काफ़ी सारा धन्यवाद इनको देना चाहूँगा, प्रिंस भाई को और सर जी को, मैं असलम भाई को भी बहुत सारा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने इस लाइक मुझे समझा कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, तो आज इन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ के रखा है, और मेरी ये मतलब इन्होंने हमेशा एक नए लोगों को काम देने का मतलब एक रहता ना, बहुत सारे लोग बेचारे इधर उधर बिचरे घूमते रहते हैं, वर्क नहीं है, कुछ नहीं है, रोज परेशान होके जाते हैं, तो हमारे सर ने, असलम भाई ने एक ये कंपनी जो हमारा नया सर ने चालू किया, ये नए सर इसलिए चालू किया है कि नए लोगों को जो स्ट्रगलर लोग हैं जिन्हें एक मौका नहीं मिल रहा, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो प्लेटफॉर्म देने के लिए सर ने आज हमें सपोर्ट किया है, और प्रिंस भाई ने मुझे सपोर्ट किया है, आज काफ़ी 4-5 वर्षों से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं, और भी मेरे एल्बम है, राम जी के ऊपर जय श्री राम का नारा है, और BM सीरीज से भी गाने हैं, लीजेंड फिल्म से भी गाने हैं, तो प्रिंस भाई ने, असलम भाई ने हमेशा मेरे को एक आगे रखा है, और इन्होंने मेरी एक्टिंग नहीं देखी और मेरा कोई टैलेंट नहीं देखा, इन्होंने कहा तुमको करना है या नहीं करना है, ना मैं कोई इतना बड़ा एक्टर हूँ और ना मैं कोई सिंगर हूँ, लेकिन सर ने उस लाइक मुझे बनाया है कि आज आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ, और ये सब महादेव भोलेनाथ की कृपा है सबका साथ। आपने बहुत सारे एल्बम इससे पहले भी किए जी, तो क्या कुछ सर के साथ करके क्या कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ क्या कुछ अलग लगा आपको? सर के साथ मुझे काम कर थोड़ा सा नया लगा, और एल्बम तो मैंने वैसे भी 2-3 किए हैं, और असलम भाई के साथ सब जुड़ा तो थोड़ा एक नया जोश, नई एनर्जी के साथ काम करने का मौका मिलता है, पूरी फ्रीडम देते हैं, बोलते हैं जो तुमको करना है कर लो, पूरी फ्रीडम के साथ मुझे मौका काम करने का मिलता है, उससे मैं काफी खुश रहता हूँ, और सर लोगों के साथ मतलब इनकी तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, ये इन्होंने मतलब क्या सोच से क्या समझ के मुझे लेते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी सोचते हैं समझते हैं मेरे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, और मैं इनके लिए ये जब भी मतलब कोई भी काम करते हैं तो मेरे को याद करते हैं, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है।
सेट पे कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सपीरियंस कुछ जो आप शेयर करना चाहोगे जो आपको फनी या फिर इम्पोर्टेंट लगा? सेट पे तो ऐसे काफी मजा ही आया मुझे, असलम भाई के साथ काम करके, प्रिंस भाई के साथ काम करके एकदम सर में दर्द नहीं होता, एकदम मजा आता है, कूल रहता हूँ मैं शूट पे। और ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं, ऐसे तो बारिश में हम लोगों ने शूट किया, इतना सारा बारिश हो रहा था फिर भी हम लोग कैसे न कैसे मैनेज करके हम लोगों ने ये गाना शूट किया। और इसमें सर ने हमारा पूरा सपोर्ट किया, प्रिंस भाई ने हमारा पूरा सपोर्ट किया। शूटिंग नहीं हो सकती थी एक टाइम के लिए, बंद हो जाती शूटिंग, लेकिन हमने दोबारा रीशूट फिर मारा, फिर इस गाने को रीशूट किया गया और बाकायदे बहुत अच्छे से इस गाने को शूट किया। और आज आप लोगों के बीच में इसका लोकेशन कहाँ था? गाने विरार में था, ये विरार का लोकेशन विरार में था, विरार रिसोर्ट पे था, रिसोर्ट में किए। सर दो गाने एक लाइन सुना दीजिए। प्रिंस भाई गाएंगे, ये तो सिंगर यही है, एक्टर सिंगर क्या थी बोलने जा आज समियाना एक बार प्ले कर दो कमरिया वाला ना, कमरिया हां कमरिया नोट खोज दे भाई, जरा प्ले कर दो गाना। ये मॉडल हां वो चलो स्टार्ट। सर आप क्या कहना चाहते हैं आज इतने शुभ अवसर पे, इसके मौके पर लॉन्चिंग का गाना? सर को बधाई देता हूँ, सर ने कंपनी स्टार्ट किया, हम उनके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसा कि अभी एक गाना तो हमारा आज आ रहा है और हमारी कंपनी की आज से शुरुआत हुई है, 10 गाने हमारे पास ऑलरेडी हैं जो अभी बैक टू बैक हर 3 दिन या 5 दिन में हम लोग रिलीज करेंगे। क्योंकि जहाँ गाना अगर बैक टू बैक नहीं आता तो फिर कंपनी धीरे 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 ओल्ड हो जाती है, मतलब यूट्यूब के अगर लैंग्वेज में बात करें तो बैक टू बैक जितना आप गाना डाले, चाहे जैसा भी गाना आप डाल रहे हो, ऑडियो ही डालो चाहे वीडियो डालो, तो कंपनी की ग्रोथिंग धीरे धीरे ऊपर होने लगती है। जितना ज़्यादा गाना डालेंगे उतना ग्रोथिंग होती है। देखिए देखिए क्या होता है ना कि आज एक टाइम था पहले भोजपुरी में ना बलगर गाने ज़्यादा हिट होते थे, बट अभी आप देखो ना तो एक नया ट्रेंड आया है अभी भोजपुरी में, खास करके हम देखे पवन सिंह हो चाहे नीलकमल जी हो, जो भी गाना गा रहे हैं तो एक भी बलगर गाना लेकिन 400 मिलियन 500 मिलियन गा रहे हैं। तो हम भी वही कोशिश में आएंगे जैसे वो लोग अच्छा से गा रहे हैं, हम भी अपना बलगर ना गाएं, अच्छा प्रेजेंट करें, अच्छे सपोर्ट में जाएं। और हम अभी कुछ दिन पहले बहुत दिन बाद मैं शादी अटेंड किया था, मैं बिहार गया हुआ था, तो मैं लिटरली बताऊँ वहाँ पे औरतें भी भोजपुरी गाना सुनती हैं, क्योंकि अब अच्छे गाने आएंगे तो औरत भी सुनती है, महिलाएं भी सुनती है। बहुत सारे गाने हैं शिल्पी राज के जिसपे महिलाएं मतलब सुनती हैं, उस पर डांस करती हैं, तो आजकल भोजपुरी घर घर तक भी जा रहा है। एक टाइम था जब बलगर की एक जमाना था और धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म साल 6 महीने में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे गाने जो मार्केट में आए हैं और अच्छे गाने आए। और आज भी देखिए एक नीलकमल जी का एक अच्छा सा गाना आया कमर अप डाउन करके, कुछ भी बलगर नहीं है, अच्छा है और लोगों का प्यार मिल रहा है, 5-6 मिलियन उनका भी गया। तो अच्छे गाने का मार्केट में डिमांड है और हम अच्छे गाने लेके आएंगे कि हर किसी का प्यार मिले, बच्चे भी सुने, महिलाएं भी सुने, सबको सुने, तो धीरे धीरे अपन उस ट्रैक पे जाएंगे। कुछ भोजपुरी स्टार तो सिंगर बने हैं इस कंपनी से, मतलब नहीं भोजपुरी जैसे खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, उनसे आएंगे, उनके भी गाने, सबके गाने आएंगे 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 धीरे धीरे। हम तो यही अभी हमारा कंपनी डाली है तो सबको लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या आप मानते हैं कि जो वल्गर गाने होते हैं या फिर जो अच्छे गाने होते हैं उनकी सर एक वल्गर गाने कहते हैं कि कुछ ऊंचे तक जाते हैं, ब्लूज अच्छा जाता है, जाता है, लेकिन आप अभी अभी अगर आपने आपके पास फोन है ना तो आप सर्च करके देखें, अभी 6 महीने के अंदर साल भर में मैं जो देख रहा हूँ, एक टाइम था, मैं आपके पास कोई डिनाई नहीं कर रहा, एक टाइम था बलगर गाने चलते थे, मतलब वो गाने बस लोग खुद हेडफोन लगा के सुन सकते हो, आप अपनी माँ बहन के साथ नहीं गुन सकते। लेकिन आप आज की डेट में मरून कलर सर ये आप लोगों ने सुना होगा, 600 मिलियन गाना गया हुआ, शायद वो बिलियन में भी चला जाए थोड़ा दिन में, कुछ नहीं एकदम प्यारा सा सॉन्ग है, हस्बैंड वाइफ के बीच का नोज हो गया। देखिए डिमांड पब्लिक सुनती है, लेकिन आप दोगे तो सुनेगी ना, देखो आदमी परोसोगे तो आप मान लीजिए हम आपके घर पे खाना खाने हैं, अब आप मुझे गेस्ट बुलाए, आप मुझे आप करेले की सब्जी खिला रहे हो, मैं करेला नहीं खाता, दिखा लगता है कोई भी नहीं खा, लेकिन क्या मजबूरी में वो खाना पड़ता है, आपके यहाँ मैं गया हूँ, उसको डिनाई भी नहीं कर सकता, आपकी रिस्पेक्ट रखनी है, तो वही बात यहाँ भी होती है, तो लोगों को जो मिलेगा वो सुनेगा। अच्छे गाने सुन रहे हैं तो महिलाएं भी सुनते हैं, औरत भी सुनते हैं। और खुशखबरी की बात यह, नेक्स्ट गाना जो रिलीज होने जा रहा है चैनल पे, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब के भांजे हैं अब्दुल रहमान उंडेकार, अब्दुल रहमान उंडेकार नाम है, वो भी एक्टिंग फील्ड में आ चुके हैं। तो इस कंपनी से नए लोगों को
ज्यादा पहले को ज्यादा चांस देंगे हम लोग दोनों। हाँ मतलब सब हल्दीराम के भुजिया जैसा सब सब काम करेंगे हमारे साथ।